Welcome to Bishop Academy online classes. Dear student, in continuous study of GST, today I am going to solve a questions in which you have to generalize the following transactions. आप सबसे पहले ये जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाएंगे जिसमें आपका एक डेट का कॉलम होगा, एक पर्टिकुलर का कॉलम होगा, एक LF का कॉलम होगा, इसको लेजर फोलियो कहते हैं, एक डेबिट का कॉलम होगा और क्रेडिट का कॉलम होगा। ऐसे आप एक फॉर्मेट बनाएंगे और फॉर्मेट में सबसे पहले कौन सा ईयर है तो 2018 ईयर है, आप लिख लेंगे। डेट दिसंबर फर्स्ट का ट्रांजेक्शन है, करें कि हीमा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1,00,000 रुपीज, तो यहाँ पे लिखेंगे जो बिजनेस स्टार्टेड विद कैश की जो एंट्री होती है वो होती है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ पे लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट 1,00,000 टू कैपिटल अकाउंट 1,00,000। ये एंट्री हुई, यहां पे नरेशन लिखेंगे बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, आपका ये दिसंबर फर्स्ट का ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट दिसंबर सेकेंड का है, करें ओपन ए बैंक अकाउंट विद SBI, SBI में एक बैंक अकाउंट ओपन करना है तो उसके लिए एंट्री करेंगे, उसके लिए एंट्री होता है अगर नेम नहीं दिया होता है SBI का तो लिखते बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अगर नेम दे दिया है तो बैंक की जगह SBI लिखेंगे यहाँ पे SBI डेबिट अकाउंट नहीं लिखेंगे टू कैश अकाउंट 30,000 से एंट्री करेंगे। लिखेंगे बीइंग नरेशन है, ये ट्रांजेक्शन को सपोर्ट करता है कि आपने किस ट्रांजेक्शन के लिए क्या एंट्री किया है, तो बीइंग ओपन ए बैंक अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट दिसंबर 4 की एंट्री है, कह रहा है कि परचेज गुड्स फ्रॉम आसू, तो ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, क्यों, क्योंकि कैश का नाम नहीं है इसमें और सप्लायर का नाम है, लेकिन नीचे आप पढ़ेंगे लिखा है ऑल द ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू सेल्स परचेज एक्सपेंसेज एंड रेंट आर सब्जेक्ट टू लेवी ऑफ CGST SGST एट द रेट ऑफ 6% ईच, तो परचेज दिया हुआ है इसमें तो परचेज में आपको 6% CGST और 6% SGST है, तो मैंने बताया था कि परचेज गुड्स के लिए जो एंट्री होता है वो होता है परचेज अकाउंट डेबिट इनपुट CGST अकाउंट डेबिट इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू आसू, ये एंट्री होगी। परचेज कितने का हो रहा है 20,000 का, ठीक है। अब 20,000 पे 6% GST कैलकुलेट करेंगे, 20,000 मल्टीप्लाई 6/100 कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 1200, ठीक है। तो 1200 इन CGST हो जाएगा और 1200 ही क्या हो जाएगा SGST हो जाएगा। अब यानी कि आसू से कितने का परचेजिंग हुआ, 1200 1200 2400, यानी कि 22,400, ये ऐसे एंट्री करेंगे, ठीक है। यहाँ पर नरेशन लिखेंगे परचेज गुड्स फ्रॉम आसू एंड पेड CGST SGST एट द रेट ऑफ 6%,
ये आप लिख देंगे नरेशन। ये हो गया आपका परचेज का एंट्री हो गया। नेक्स्ट का है सिक्स में सोल्ड गुड्स टू राहुल फॉर कैश 15,000। ये कैश ट्रांजेक्शन है दिसंबर 6। तो सेल्स की एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, इसकी एंट्री होती है। लेकिन अब इसमें सीजीएसटी एसजीएसटी देखिए सेल्स पे है, तो 6% कितने का सेल्स हो रहा है आपका 15,000 का, तो 15,000 ये। और जब आप सेल्स करेंगे तो आपको सीजीएसटी एसजीएसटी रिसीव होगा, किसके कैश में रिसीव होगा। यहाँ पे लिखेंगे टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट, फिर लिखेंगे टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट, ठीक है। अब 15,000 पर आपको 6% सीजीएसटी एसजीएसटी कैलकुलेट करना है, तो 15,000 मल्टीप्लाई 6/100, तो 156 जा 900 आया, ठीक है। 900 आपका सीजीएसटी हो गया और 900 एसजीएसटी हो गया, 1800 यानी कि 16,800 होगा, 16,800 टोटल कैश आपको रिसीव होगा। यहां पर भी नरेशन लिख देंगे बीइंग सोल्ड गुड्स टू राहुल एंड चार्ज सीजीएसटी एंड एसजीएसटी एट द रेट ऑफ 6%, ऐसे आप नरेशन लिखते जाएंगे। अब नेक्स्ट जो आपका ट्रांजेक्शन है वो दिसंबर 10 का ट्रांजेक्शन है, दिसंबर 10 का ट्रांजेक्शन, इसको आप कॉपी पर प्रॉपरली नोट करेंगे। दिसंबर 10 कह रहा है कि बॉट गुड्स फ्रॉम तारा फॉर कैश, तो तारा से गुड्स परचेज किया जा रहा है, बॉट मतलब खरीदा, ठीक है, 40,000 का। तो आप परचेज पर ऑलरेडी सीजीएसटी एसजीएसटी 6% है, तो आप लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश परचेज किया जा रहा है, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिए परचेज कितने का किया जा रहा है 40,000 का, तो जितने का परचेज हम करते हैं उसी का 6% सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज करते हैं, तो 6% जब करेंगे तो 2400 इसका आएगा सीजीएसटी और 2400 ही क्या आएगा एसजीएसटी आएगा, तो 4800 हो जाएगा, यानी कि टोटल कैश कितना पेड करना पड़ेगा 44,800 पेड करना पड़ेगा। और जो नरेशन आपने परचेज में यहाँ लिखा है वैसे ही नरेशन आप यहाँ लिख देंगे। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है वो दिसंबर 20 का, चेक गिवन टू आसू, दिसंबर 20 चेक गिवेन टू आसू, कितने का चेक दिया जा रहा है 10,000 का चेक दिया जा रहा है। जब भी चेक से पेमेंट करते हैं तो बैंक का नाम लेते हैं, कैश का नाम नहीं लेते हैं, यानी कि लिखेंगे यहाँ पे आसू को पेड किया जा रहा है, तो आसू डेबिट कितने से 10,000 से टू चेक से पेड कर रहे हैं, लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, ठीक है। और लिखेंगे यहाँ पर बैंक अकाउंट की जगह आप टू एसबीआई भी लिख सकते हैं,
टू एसबीआई, ठीक है, तो 10,000 क्रेडिट हो जाएगा। यह हो गया, आप नरेशन लिख सकते हैं बीइंग पेड टू आसू बाय चेक, नरेशन लिख देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे आते हैं, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है दिसंबर 23 का रेंट पेड बाय चेक 2000। यहां पे देखिए रेंट पे सीजीएसटी है और एसजीएसटी है, तो दिसंबर 23 रेंट पेड बाय चेक, जब रेंट पेड बाय चेक जब लिखा है तो लिखेंगे रेंट अकाउंट डेबिट इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू एसबीआई। अब ध्यान दीजिएगा टोटल चेक का अमाउंट कितना है, यहां पे 2000 है, तो 2000 है और उसमें से आप उसमें 6% ऑलरेडी क्या इंक्लूड है, सीजीएसटी और एसजीएसटी है, तो एक्चुअल में कितना रेंट है उसको निकालना जरूरी होता है कि कितना चेक से पेड किया है आपने, रेंट कितना अमाउंट का है, तो 2000 मल्टीप्लाई कितना परसेंट निकालेंगे आप, 94/100 इतना निकालेंगे। इससे ये पता चलेगा कि कितना एक्चुअल क्या है, 12% यानी कि 88% आप निकालेंगे, 88% इसका निकालेंगे। 100% में से क्या है, 100 में से 6% सीजीएसटी और 6% एसजीएसटी, टोटल कितना हो गया 12%, इसमें से 12% माइनस करेंगे तो आएगा 88%, यानी कि 2000 जो अमाउंट है वो पूरा 100% है। अब उसका 88% निकालेंगे तो आएगा आपका 0, 2 8 जा 16, यानी कि 1660 रुपीज़ क्या है, रेंट है, यानी कि 1660 रेंट, और बाकी का जो अमाउंट कितना बचा आपका, 340 अमाउंट बचा। अब 340 का हाफ कर दीजिए तो आएगा 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 170 रुपीज़ क्या होगा, सीजीएसटी होगा, और 170 रुपीज आपका एसजीएसटी होगा। टोटल आपका कितना चेक से पेड किए हैं, 2000। तो इस चीज का ध्यान देंगे, यहां पे लिखेंगे बीइंग रेंट पेड एंड पेड सीजीएसटी, चाहे आप यहीं पे लिख सकते हैं रेंट पेड अलॉन्ग विथ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी एट द रेट ऑफ 6%, ऐसे करके आप लिख देंगे। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे आते हैं, वो है दिसंबर 25 को डिपॉजिटेड इनटू बैंक, तो उसमें सीजीएसटी एसजीएसटी नहीं लगेगा। दिसंबर 25 डिपॉजिटेड इनटू बैंक, तो सेम जो डिपॉजिटेड इनटू बैंक, तो बैंक एसबीआई है, लिखेंगे एसबीआई डेबिट, कितना अमाउंट आप डिपॉजिट कर रहे हैं, 16,000 डेबिट 16,000 टू कैश अकाउंट 16,000। नरेशन लिखेंगे इसका,
being cash deposited into bank. यह आपका दिसंबर 25 का ट्रांजेक्शन हो गया. दिसंबर 26 का रहा कि मशीन परचेज्ड फ्रॉम परिज्ञा, 10,000 का मशीन परचेज किया जा रहा है. जब भी मशीन, आप जानते हैं कि जब मशीन परचेज किया जाएगा तो परचेज की एंट्री नहीं करते हैं हम. कब परचेज की एंट्री करते हैं? जब गुड्स परचेज करते हैं तभी परचेज की एंट्री करते हैं. ठीक है, तो अब मैं फिर ऊपर से मिटा करके आपको जनरल एंट्री लिख रहा हूँ. तो यहाँ पर मशीन परचेज किया जा रहा है दिसंबर कितने को? 26 को. तो मशीन परचेज किया है तो लिखते हैं मशीनरी, मशीन अकाउंट डेबिट इनपुट CGST अकाउंट डेबिट इनपुट. जब भी परचेज करेंगे कोई चीज़ तो उस पर इनपुट करेंगे और सेल करेंगे तो आउटपुट होगा. SGST अकाउंट डेबिट. देखिए परिज्ञा लिखा हुआ है यानी कि ये क्रेडिट परचेज है तो लिखेंगे टू परिज्ञा. मशीनरी 10,000 का है, अगर इस पर हम 6% CGST लगाएंगे तो 600 होगा, 6% SGST लगाएंगे 600 होगा, यानी कि 11,200 का परिज्ञा से परचेज हुआ है. ठीक है, यहां पे लिख देंगे नरेशन बीइंग मशीन परचेज्ड बाई परचेज फ्रॉम परिज्ञा लिख देंगे. यहां पर नेक्स्ट है ट्रांजेक्शन दिसंबर 28 का ट्रेड एक्सपेंसेस पेड. दिसंबर 28 तो ट्रेड एक्सपेंसेस, तो यहां पे देखिए लिखा हुआ है एक्सपेंसेज भी CGST SGST के लेवी में आएगा. लिखेंगे ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट इनपुट CGST अकाउंट डेबिट इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. ट्रेड एक्सपेंसेस आप पेड कर रहे हैं कितना? 2000. तो इसमें भी अभी 2000 का हमने निकाला था तो 1660 आया था और 170 इस पर आएगा CGST और 170 आएगा आपका SGST आएगा. ठीक है, तो अब इसको आप 2000 पेड कर दें. ठीक है, ये आपका ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आपका आता है दिसंबर 29 का चेक इश्यू टू प्रतिज्ञा. तो प्रतिज्ञा को, परिज्ञा को चेक इश्यू किया जा रहा है 11,200. तो आप जानते हैं यहां पर 11,200 का परिज्ञा से परचेज किया गया है तो उतने का ही चेक इश्यू करेंगे. यहां पर लिखेंगे परिज्ञा को दिया जा रहा है, परिज्ञा क्या होगी? डेबिट होगी. परिज्ञा डेबिट टू चेक से पेड कर रहे हैं तो लिखेंगे आप SBI. ठीक है, कितना पेड कर रहे हैं? 11,200. नरेशन भी इसका लिख देंगे आप एज यूजुअल जैसा नरेशन में लिख रहा है. नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है दिसंबर 30 का पेड टेलीफोन एक्सपेंसेस बाय चेक.
तो टेलीफोन एक्सपेंसेज है 1200 का टेलीफोन एक्सपेंसेज है, तो लिखेंगे 1200 है, उस पर CGST लिखेंगे टेलीफोन एक्सपेंसेज अकाउंट डेबिट इनपुट CGST अकाउंट डेबिट इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू चेक से पेड किया जा रहा है टू SBI करेंगे, ठीक है। 1200 का है तो 1200 का है तो 6% कहेंगे तो 12 6 72 CGST 72 SGST हो जाएगा। टोटल कितना पेड किया जाएगा, 1344 हो जाएगा। नेक्स्ट कर रहा है पेड सैलरी, तो सैलरी पे किसी प्रकार का कोई GST नहीं है, तो आप सैलरी के लिए सीधे सीधे एंट्री कर देंगे आप December 31st लिखेंगे सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट सैलरी पेड कर रहे हैं 4500। डेबिट 4500 क्रेडिट, यह आपका पूरा जनरेंटी हो जाएगा। यह आप लिख देंगे बीइंग सैलरी पेड टू कैश, ठीक है। तो इस तरह से आप जनरेंटी पास करेंगे और अपने बुक में जो क्वेश्चन दिए हो उसको सॉल्व करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।